सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड बट चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर। दोस्तों, ईमेल करने के लिए आप जीमेल का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आप लेवल ऑफ फिल्टर के बारे में जानते हैं? लेवल ऑफ फिल्टर क्या है, लेवल ऑफ फिल्टर जीमेल में कैसे लगाते हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। हमारे पास मेल बॉक्स में दिन भर में बहुत से मेल आते हैं। इनमें से कुछ मेल काम के होते हैं और कुछ बिना काम के होते हैं। जो काम के होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं और जो बिना काम के होते हैं उन्हें हम देखकर डिलीट कर देते हैं या फिर इनबॉक्स में ऐसे ही रहने देते हैं। बाद में हमारे पास बहुत सारे ईमेल इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें काम के मेल को फिर से देखने की जरूरत होती है तो उसे खोजना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या से निपटने के लिए हम लेवल और फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं जीमेल में लेवल और फिल्टर कैसे लगाते हैं। किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और इसमें टाइप करेंगे gmail.com और एंटर कर देंगे। इसमें अपनी जीमेल आईडी डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरी जीमेल आईडी ओपन हो रही है। ये देखिए मेरे मेल का इनबॉक्स खुल गया है। अब मैं किसी भी एक मेल को ओपन करूंगा जिसे मैं फिल्टर करना चाहता हूं। चलिए मैं इस मेल पर क्लिक कर लेता हूं। मेल को ओपन करने के बाद यहां जो ईमेल एड्रेस है इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से इनबॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करना है। इसमें फिर से सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही जीमेल सेटिंग पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेसेस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट अ न्यू फिल्टर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो फॉर्म लिखा है यहाँ पर उस ईमेल एड्रेस को पेस्ट कर देंगे जिसे हमने कॉपी किया है। इसके बाद क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, इस चेकबॉक्स में टिक मार्क कर देंगे तो इस मेल आईडी पर जो भी मेल आएगा वो इनबॉक्स में नहीं आएगा, वो अलग से एक फोल्डर में आएगा। इसके बाद अप्लाई द लेवल के सामने चूज लेवल पर क्लिक करेंगे। अब न्यू लेवल पर क्लिक करेंगे। यहाँ लेवल नेम डाल देंगे, मैं यहाँ डाल देता हूँ YT क्रिएटर और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। लेवल नेम डालने के बाद इस चेकबॉक्स में टिक कर देंगे। ऑल्सो अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कन्वर्सेशन और फिर क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर देंगे। हमारा फिल्टर और लेवल क्रिएट हो गया है और यहाँ शो होने लगा है। अब हम जैसे ही YT क्रिएटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मेल आईडी हमने फिल्टर में लगाई है उस मेल आईडी से आने वाले सारे मेल YT क्रिएटर में शो होंगे। ये देखिए यहाँ सारे मेल आ गए हैं। हम लेवल के सामने दिए आइकन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके सामने दिए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे ऊपर लेवल कलर का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो कलर ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी कलर सेट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कलर सेट हो जाएगा। दोस्तों, अब आप जीमेल में फिल्टर और लेवल लगाना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।